वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सारे अल्ट्रासाउंड शेयर करने के लिए, तो मैंने एक एक करके सारे अल्ट्रासाउंड शेयर किए हैं। जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है एनटी स्कैन, वो भी शेयर किया है। जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है एनोवोली स्कैन, जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे के बारे में डिटेल में सब कुछ होता है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। और आज मैं थर्ड अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का, जो कि होता है 9 मंथ में आके, वो अल्ट्रासाउंड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मुझे एक बेबी बॉय है जो अभी 1 साल का हो गया है, उसी की प्रेगनेंसी के मैं सारे अल्ट्रासाउंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला भी है कि जो चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, कैसे अपना अल्ट्रासाउंड आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है उससे। तो आज मैं आपके साथ 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप कैसे जान सकते हैं अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में अल्ट्रासाउंड में। जैसे कि हमारे बच्चे के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो आज मैं आपको पूरा अल्ट्रासाउंड पढ़ के दिखाऊंगी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि 9 मंथ में आप बच्चे के बारे में क्या क्या जान सकती हैं, क्योंकि 9 मंथ एकदम प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होता है, बच्चा पूरा बन चुका होता है। और आज मैं इस वीडियो के एंड में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में देख के लोग बहुत सारे बताते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, इस चीज के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि हम क्या जान सकते हैं बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा 9 मंथ के अल्ट्रासाउंड को देख के, या किसी भी अल्ट्रासाउंड को देख के हम जान सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो सबसे पहले हम अपना अल्ट्रासाउंड पढ़ के आपको बताते हैं। तो ये है मेरे 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड। मेरा बेबी जो हुआ था वो 22 मार्च को हुआ था और मैंने ये अल्ट्रासाउंड 2 मार्च को कराया था। तो उस टाइम पे जो मेरा बेबी था वो 33 वीक का था, 4 डेज का था। तो यहाँ पे LMP लिखा रहता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। बाकी ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया होता है LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये हर अल्ट्रासाउंड में आपके दिया होगा। और जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे या डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, वो आपसे आपका LMP जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे LMP लिखा होता है, फिर उसके बाद आता है फीटल नंबर, कितना क्या उसका फीटल नंबर है, मतलब कितने सारे बच्चे। फीटल बोलते हैं बच्चे को, अगर एक बच्चा है तो सिंगल लिखा होगा, अगर 2 बच्चे हैं तो ट्विंस लिखे होंगे, 3 बच्चे हैं तो मल्टी लिखा होगा। तो यहाँ पर ये फीटल नंबर लिखा होता है। इंट्रायूटराइन मतलब होता है कि बच्चा यूट्रस में है, अगर बच्चा फेलोपियन ट्यूब में होता है तो एक्स्ट्रायूटराइन लिखा होता है, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है अगर फेलोपियन ट्यूब में बेबी रहता है। तो मोस्टली जो होता है वो यूट्रस में ही बेबी होता है और यहाँ पे इंट्रायूटराइन ही लिखा होता है सभी के अल्ट्रासाउंड में। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको 9 मंथ में पता चल जाएगा कि बच्चा आपका किस पोजिशन में है, बच्चा पेट में। जैसे कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है सिफेलिक, मतलब बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ है और जो पैर है उसके ऊपर की तरफ है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। सिफेलिक पोजीशन के केस में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, क्योंकि बेबी का हेड जो होता है वो नीचे की साइड होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के बहुत चांसेस रहते हैं। ब्रीच जो पोजीशन होती है इसमें मे बी सिजेरियन करना होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे के पैर हैं आप देख सकते हैं इमेज में, वो नीचे की तरफ रहते हैं और हेड जो है वो ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स लाई। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में अगर ट्रांसवर्स लाई लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो इस पोजीशन में वो थोड़ा तिरछा हो गया है पेट में, तो इस कंडीशन में भी बहुत बार सिजेरियन करना पड़ता है। तो यही सारी पोजीशंस होती हैं जो लिखी होती हैं। नेक्स्ट आता है लाई, बच्चे ने किस तरीके से लाई किया हुआ है पेट में। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लिखा होता है, ज़्यादातर में लॉन्गिट्यूडनल ही लिखा होता है। इसमें क्या होता है, हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, ये सेम प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है जैसा कि उसमें लिखा होता है। और लॉन्गिट्यूडनल अगर ब्रीच है तो समझ लीजिए पैर नीचे हैं और सर ऊपर है, ट्रांसवर्स लाई है तो बच्चा तिरछा है पेट में, तो इसी तरीके से सेम प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है ये। नेक्स्ट आता है कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी में देखते हैं कि रेगुलर है, नॉर्मल भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो कार्डियक एक्टिविटी सभी का नॉर्मल ये लिखा होता है या रेगुलर लिखा होता है कि उसकी दिल की धड़कन जो है वो ठीक है या नहीं है। FHR होता है, मतलब फीटल हार्ट रेट, 151 BPM थी मेरी बेबी की उस टाइम पे। ये सबकी अलग अलग होती है, वेरी करती है बच्चे के हिसाब से और उसके डेवलपमेंट के हिसाब से होती है। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे नॉर्मली लिखा रहता है। फिर आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो गर्भ नाल होता है जो बच्चे को माँ से जोड़ता है,
यहाँ पे मेरा एंटीरियर अपर सेगमेंट था, किसी का पोस्टीरियर भी हो सकता है, आप इमेज में देख सकते हैं। एंटीरियर का मतलब और पोस्टीरियर का मतलब, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होता है। अपर सेगमेंट का मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो अपर है, लोअर में क्या होता है सर्विक्स के ऊपर होता है, उसमें थोड़ा सा रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है तो लोअर सेगमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी सारे अगर प्लेसेंटा किसी भी पोजिशन में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिकर अनमिनी मतलब जो हमारे बच्चे के चारों तरफ जो पानी रहता है, जो वाटर रहता है वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे उसका सारा मेजरमेंट लिखा होता है कि लार्ज पॉकेट मतलब जो थैली है वो कितनी बड़ी हो चुकी है, 5 सेंटीमीटर हो चुकी है, पानी कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। और ये कभी कभी यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि वाटर जो है एडिक्वेट है मतलब ठीक है। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है जहाँ से हम अपने बच्चे का डेवलपमेंट जान सकते हैं वो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम बच्चे का अपने पूरा डेवलपमेंट जान सकते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से जान सकते हैं। तो सबसे पहले बीपीडी लिखा होता है, बीपीडी का मतलब होता है बाईपेरिटियल डायमीटर, मतलब जो हमारे बच्चे का पूरा फेस होता है, पूरा गोल जो फेस होता है उसका नाप यहाँ पे लिया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड में साफ साफ पता लगता है कि बच्चे का पूरा जो फेस है वो कितने सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से लिखा होता है कि बच्चे का जो हेड है वो कितना सेंटीमीटर है। फिर आता है एच सी का मतलब होता है हेड सर्कमटेंसेज, मतलब जो बच्चे का विकास जो होता है वो मेनली हमारे हेड पे ही रहता है, हेड से हम लोग देख के बता सकते हैं कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है, डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेबी का जो हेड होता है उसका पूरा गुलाई ली जाती है एच सी में और उसे देख के बताया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही है नहीं है, तो इसका मतलब होता है हेड सर्कमटेंसेज। फिर आता है ए सी का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमटेंसेज, मतलब जो हमारा पेट का गुलाई होता है वो लिया जाता है यहाँ से और उससे पता लगाया जाता है बेबी का डेवलपमेंट। फिर आता है एफ एल मतलब होता है फीमर लेंथ, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो रहती है उसको फीमर बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है फीमर लेंथ, सबसे लंबी जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी जो होती है उसकी नाप हमारे बच्चे के हिसाब से ठीक है या नहीं है, उससे नापा जाता है कि बच्चे का विकास ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है EFBW का मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल बर्थ वेट, इसमें जो क्या होता है जो बर्थ वेट होता है बच्चे का वो कितना हो रहा है, तो यहाँ ग्राम्स में भी दिया होता है और ये हमारे जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग होता है उसमें जो हमारे बच्चे का वेट नापा जाता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अलावा होता है CUA के मतलब होता है कंपोजिट अल्ट्रासाउंड एज, यहाँ पे हम LMP से पता लगाते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड में वीक आता है वो हमारा किस अकॉर्डिंग है, और जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आता है वो एकदम ठीक होता है, क्योंकि LMP तो हमारी कभी भी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी तो हमें याद भी नहीं रहता है कि हमारी डेट क्या थी। तो यहाँ पे LMP के अकॉर्डिंग होता है और यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग होता है। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग उस टाइम पे मेरा 34 week 1 day चल रहा था। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखा होता है कि थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो सकता है। नेक्स्ट होता है EDD, यहाँ पे होता है हमारा एस्टिमेट डिलीवरी डेट, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी डिलीवरी की ड्यू डेट क्या है या हमारी डिलीवरी किस डेट को होने वाली है। तो यहाँ पे EDD का मतलब होता है, जैसे मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 12 अप्रैल, मेरा ये जो बेबी है वो 22 मार्च को हो गया था लेकिन मेरी जो ड्यू डेट थी वो 12 अप्रैल थी, मतलब टाइम से इतना पहले हो गया था मेरा बेबी। तो यहाँ पे जो होता है ये टाइम दिया होता है इसके आसपास में या इसके थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में ही हमारी डिलीवरी होती है, तो ये आपको ज़रूर देखना है कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी सारी तैयारी करनी है, आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करना है, वो सारी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं हमें, मतलब डिलीवरी के लिए तैयार हो जाना है इस डेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ओपिनियन लिखा होता है, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो भी वो लोग मीज़र करते हैं, मतलब जो उससे उसका बेसिक जो निचोड़ निकालते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ भी अगर उनको डॉक्टर को बताना होता है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। सिंगल लाइव इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी 34 week के इन्होंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 34 week लिखा हुआ है, तो बस यही लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखा होगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, आपके साइन भी मांगते हैं यहाँ पे। आई हैव नाइदर डिटेक्टेड और नॉट डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ द फीटस
टू द प्रेग्नेंट वूमेन ऑफ द और टू एनीबॉडी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसका ये डिक्लेरेशन होता है कि उसने किसी को भी का जो जेंडर है वो किसी को भी नहीं बताया है, क्या प्रेग्नेंट वूमेन क्या उसके साथ में भी कोई हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो यही डिक्लेरेशन में हमेशा वो आपसे अल्ट्रासाउंड करने के बाद साइन कराता होगा, जिससे कि ये बता जिसमें ये डिक्लेरेशन लिखा होता है कि उन्होंने जेंडर को डिस्क्लोज नहीं किया है। इंडिया में जेंडर डिस्क्लोज करना इलीगल है, यहाँ पे नहीं बताते हैं किसी भी अल्ट्रासाउंड में, ये नहीं बताते हैं कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। तो आप इन सब बातों पे भरोसा ना करें, प्लेसेंटा या FHR इन सब चीज़ों को देख के हम जेंडर का पता नहीं लगा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से हम जेंडर का पता लगा सकते तो शायद ये चीज़ें भी मेंशन नहीं होती अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होती है जिससे कि हम जेंडर का पता लगा सकें, और ये साफ साफ यहाँ पे लिखा भी होता है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल भी ना करें कि प्लेसेंटा की पोजीशन या FHR जो रहता है हार्ट बीट देख के हम लोग बेबी गर्ल या बेबी बॉय का पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिथ हैं और इनमें बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। मुझे नहीं पता है ये सारी चीज़ें कहाँ से निकली है, मतलब कैसे लोगों ने ये इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाना शुरू किया है, और इससे क्या हो रहा है ना, लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो जा रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जा रही है जिससे उनके बेबी का भी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो इन सब चीजों में भरोसा ना करें, और जो भी हो बेबी बॉय या बेबी गर्ल उसको एक्सेप्ट करें, और दोनों ही बहुत बेहतरीन है, बहुत भगवान की कृपा होती है जो लोगों को बच्चे मिलते हैं। उन लोगों से जाके पूछिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं, सालों से दवाई करा रहे हैं, उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।